ये जो मेरा ट्रैवलिंग है इस पर ठप्पा लग गया, और अभी तो आर्मी वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं करते हमारे ना। तू लाके आई है। तो हेलो गाइस, मैं हूं सैम, आप सबका स्वागत करता हूं एक और व्लॉग में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरे गांव का व्लॉग। हाँ, एक और व्लॉग आपने देखा होगा कि जो सबसे पहला व्लॉग था वो मैंने तकरीबन कोई 2 महीने पहले अपलोड किया था, और 3 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आपने जब फर्स्ट में देखा था तो उस टाइम पर हम ये लगा रहे थे चावल, तो अभी दिखाएँगे कि क्या प्रोग्रेस है और कुछ यहाँ के बेहतरीन नज़ारे। तो मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से कुछ उड़ रहा है। तो ये इनके बीज हैं, मुझे नाम नहीं मालूम इस प्लांट का क्या है, बट ये कुछ 10-15 दिन पहले पूरे अच्छे से सफ़ेद सफ़ेद भरे हुए थे, बट अभी ये सारे के सारे अपने बीज छोड़ रहे हैं अलग अलग जगह, ताकि अगला टाइम जब आए तो ये नए पौधों का रूप ले कर नए बड़े बड़े पेड़ बन सकें। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं इन्हीं से बोलते हैं मांझा बोलते हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती हैं, है ना कमाल की बात। तो गाइस, मैंने सोचा था कि YouTube में डेली वीडियोस डालूंगा, और ट्रैवलिंग का मेरा बहुत बड़ा प्लान था, मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा क्या है, बट क्या हुआ कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया मेरा, और उसकी वजह से ये जो मेरा ट्रैवलिंग है इस पर ठप्पा लग गया, और ना तो मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ और ना कुछ। तकरीबन 1 महीने बाद मैंने आज ये कैमरा पकड़ा है और गांव का सोचा व्लॉग बना लूँ। डॉक्टर ने मेरे को मना किया है, ना तो मैं बैठ सकता हूँ झुक सकता हूँ, बस कुछ दिक्कतें आई हैं, बाद में बताऊँगा फिर कभी, बट अभी यहाँ का नज़ारा देखो। तो वो जो अभी आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या होता है कि ना गांव में पानी वगैरह की इतनी पाइप्स वगैरह नहीं बिछाई होती जैसे दिल्ली वगैरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में लगाई होती है। तो यहाँ पे एक ही साधन होता है पानी का, वो होता है हमारा नलका या फिर मोटर। ये जो आप मशीन देख रहे थे एक बड़े से मतलब कि एक बड़ा सा हैमर लगा होता है और उसके पाइप को वो ठोकता रहता है ज़मीन के अंदर जब तक कि वो पानी तक ना पहुँच जाए, और जैसे वो पानी पहुँच जाता है पाइप फिट कर देते हैं ऊपर से और जाली लगा देते हैं नीचे ताकि पानी जो है साफ छन के निकल गया है, और ऊपर हैंडपम्प फिट कर देते हैं और मोटर अटैच कर देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये है मशीन और ये है इसका कुछ काम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो घर है वो बॉर्डर के करीब पड़ता है, और यहाँ पे 71 और 91 और जितनी भी लड़ाई हुई है पाकिस्तान वगैरह के साथ, तो आर्मी वालों ने बंकर बना के रखे हैं। तो अब भी आप चलते हुए जाते हैं तो आपको कई बंकर दिख जाते हैं रास्ते में। तो ये एक और बंकर रहा, दिखाई दे रहा, थोड़ा पास जाता हूँ फिर दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है अंदर से, कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं तो जाऊँगा नहीं, आप ही देख लो। अभी तो आर्मी वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं करते, कुछ नशेड़ी ही इस्तेमाल करते हैं इसका, दारू वारू ये सब पीने के लिए। चलो, किसी के तो काम आ रहा है, कहना नहीं चाहिए बट ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। तो पिछले 1 महीने से मैं तकरीबन यहाँ टहलने के लिए आता हूँ, और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की, और यहाँ पे जिस जगह मैं आता हूँ घूमने के लिए थोड़ा बहुत जंगल टाइप एरिया है, और यहाँ शाम के टाइम जब भी आता हूँ तो सनसेट बहुत प्यारा देखने को मिलता है, और बहुत जंगली जानवर और पक्षी वगैरह है यहाँ पर। तो अगर बर्ड वॉचिंग का शौक़ रखते हो तो आप यहाँ पर बर्ड देख सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही बढ़िया जगह है। और हाँ, एक और बंकर, ये बंकर जो है अभी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसके आसपास ना इस्तेमाल ना होने की वजह से पूरे के पूरे पेड़ पत्ते वगैरह सब कुछ हो गया, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं रहते, लोग रहते हैं यहाँ पे, कुछ नोमैड्स लोग रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गुज्जर बकरवाल नहीं बोलते। अगर आपने अपनी जियोग्राफी की बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी तो इनके बारे में जानते होंगे कि ये क्या कहते हैं, गर्मियों के टाइम पे पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे अच्छी घास होती है अपने पशुओं के लिए चारा, क्योंकि इनका बहुत सारे जानवर होते हैं अलग अलग तरीके के। और जब सर्दियाँ होती हैं तो ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ठंड की वजह से ज़्यादा सर्वाइव नहीं रख सकते, क्योंकि इनके खुद के पक्के घर नहीं होते, तो झोपड़ी वगैरह बनाते हैं ये टेम्परेरी। और सर्दियाँ होती हैं तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं गर्म इलाकों में, जैसे कि ये भी हमारा इलाका है, तो यहाँ पे आके ये अपना डेरा जमा लेते हैं। आपको दिखाता हूँ वीडियो, आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, तो कुछ इस तरीके का होता है इनका घर। तो सर्दियों में ये यहाँ पे रहते हैं और गर्मियों में चले जाते हैं वापस पहाड़ों पर। तो इसी तरीके से इनका सफ़र चलता है और काफ़ी मज़ेदार ज़िंदगी रहती है इनकी। बट अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये लोग यहाँ पे गाँवों में ही सेटल होना स्टार्ट हो गए हैं, उनके घर भी कुछ लोगों के पक्के कर लिए हुए हैं और नलके वगैरह हैंडपम्प वगैरह लगा लिए हैं। पर तब भी इनकी लाइफ बहुत बढ़िया है, मैं भी कुछ ऐसी ही लाइफ की एक्सपेक्टेशन करता हूँ। और क्या पता भाई, आपका देखते हैं, अगर मैं ठीक हो गया रिकवर कर लेता हूँ तो शायद ट्रैवलिंग करते टाइम इन्हीं की तरीके की लाइफ जीनी पड़ेगी। तो सब बढ़िया, ये बाबा जी देख रहे हैं मेरे को मालूम है क्यों। तो इस तरीके से कुछ रहते हैं ये लोग। इस तरीके के छोटे छोटे टेंट्स में दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो इस तरीके की लाइफ जीते हैं, काफ़ी बढ़िया लाइफ है। हर तरह से खुला आसमान, खुली ज़मीन, किसी तरीके की रोक टोक नहीं, मज़ा है बहुत बढ़िया। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे दो किस्म के चावल लगाए जाते हैं, एक होता है हमारा बासमती और एक होता है, तो इसको भी आना था। जो बासमती है वो तकरीबन लेता है 6 महीने और जो हमारी है शरबती वो लेता है 3 महीने और वो जल्दी पक जाता है, आपको मालूम है बासमती के बारे में। और ये जो शरबती है ऐसे अच्छे चावल होते हैं बट बासमती के मुकाबले के नहीं होते। हाँ, एक और चीज़, जो बासमती है वो 6 महीने में पकेगा मैंने बताया, और जो शरबती है वो इस टाइम तक पक कर तैयार हो चुका। और ये रही इसकी वीडियो, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, इस पे जितने भी दाने हैं वो सारे के सारे पक गए हैं और इस पे अभी दाने कच्चे हैं और ये हरी है। ऊपर से दिखा दो, ये जितनी भी है ये सारी की सारी है शरबती और ये है हमारी बासमती, इसको अभी भी तकरीबन 2 से 3 महीने और लेंगे पकने में अच्छे से, है ना कमाल। तो वहाँ पे दिखाई दे रही है ये, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि ये जो फसल है इसको काट दिया गया, और मैंने बताया कि अभी इस टाइम पे शरबती होती है वो पूरी तरह से पक जाती है और इसको काट के इस तरीके से रख देते हैं। और इसके बाद छोटा सा ड्रम देते हैं, घर परिवार के जितने लोग होते हैं सभी के सभी उसको ज़ोर ज़ोर से उस पर पटकते हैं और जितने भी चावल के दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं इन पौधों से, और उन चावलों को इकट्ठा करके उसको मूंजी बोलते हैं एक्चुअली हमारी भाषा में, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, तो आइडिया लगा लेना इससे। तो उनको लेके जाते हैं और फिर मिल्स होती हैं उसमें डालते हैं और उनसे छिलकों में से चावल अलग कर देते हैं। हाँ, तो इस तरीके से चावल तैयार होता है। जो अगला प्रोसेस है मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे कहीं गांव में कहीं कर रहा तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक और बंकर बना हुआ है, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये पूरी की पूरी जगह बंकरों से भरी हुई है। तो यहाँ से चलने का समय हो गया।
तो आप सभी को मालूम है कि आपके भाई का नया चैनल है, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।